के रहना देखो आई रे सबा, बच के रहना देखो आई रे सबा, बच के रहना देखो आई रे सबा। ये देखो सबा, मेरी सबा की तरह नई नवेली गाड़ी। वाह जान, ये तो कितनी बड़ी गाड़ी है, लग्जरी लग रही है। जान मेरे पास तो पैसे भी नहीं इतने। अरे पैसे कौन मांग रहा है, तुम्हारा हाथ मांगा है मैंने तो। मैं तो कहती हूँ अब्बू उसे घर से ना निकाले, बहुत अच्छा लड़का है वो। चुप करो, अब्बू बहुत अच्छा लड़का है, हमें पता है वो अच्छा है बुरा है। अबे तू मेरे सामने लेवल की बातें मत किया कर, वो दिन भूल गया जब दरगाह के बाहर चप्पलों की रखवाली करता था, 5 नंबर का टोकन 10 नंबर का टोकन, बाजी ये वाली आपकी। मिस्टर आशिक तेरा तो काम हो गया, किस तरह तूने मुझे अपने ऑफिस से धक्के मार के निकाला था याद है ना, अब तू सबा को ढूंढता रहेगा, ये किया तुझे ब्लॉक। हसीन तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक खूबसूरत सा सरप्राइज है। क्या बात है, आजकल तुम बड़े सरप्राइजेस दे रहे हो। अरे गाड़ी ले ली है मैंने। तुमने गाड़ी ले ली? बिल्कुल ले ली है, अब तुम मेरे साथ चलोगी गाड़ी में, फ्रंट सीट पे बैठ के पूरा करांची घूमेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे जब बैठोगी तो यकीन आ जाएगा। वैसे गुलजार ने मुझे बताया था लेकिन इतनी जल्दी ले आओगे इस चीज का मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। अरे भाई आखिर मेरा कारोबार जो चल पड़ा है। कौन सा कारोबार है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे तुम? मैं तुम्हें फ्रॉडिया लगता हूँ? शक्ल से तो नहीं लगते, वैसे मुझे लगता है कि तुमने नोटों का एक दरख्त लगाया है जहाँ से पैसे तोड़ तोड़ कर खर्च कर रहे हो। फिर तो पूरा दरख्त तुम्हारे नाम। मुझे भी दिखाओ वो दरख्त, मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चलो फिर शॉपिंग भी करवाता हूँ और खाना भी खिलवाता हूँ। चलो ठीक है, मगर जल्दी चलो इससे पहले कि अम्मा आ जाए। और हाँ गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी। मतलब मुझे अब आखिरी वक्त की दुआ पढ़ लेनी चाहिए? ओ तेरी आंखें चल रही है भैया जी, क्या बात है, गाड़ी सारी आंखें शांखे सब चल रही है, चलो आओ। अरे भाई ये नंबर भी बंद है। भाई अब कोई दूसरा नंबर तलाश करना पड़ेगा। चलो कभी ना कभी तो इजी लोड करवाने आएगी। लो याद किसे किया, नाजिलिये हो गए। शुक्र भाई, सलामकुम, मेरे नंबर पे 1000 रुपए का इजी लोड कर दो। भाई इसका मतलब ये हुआ आगे ठेला चल पड़ा। जिस पे सभा का नाम लिखा हो वो ठेला क्यों ना चले। भाई हमारा मशवरा ये है कि जब ठेला चल पड़ा है तो सभा का ख्याल दिल से निकाल दो। कैसे निकाल दूं, सभा की बेवफाई ने मेरे दिल में आग लगा रखी है। भाई इसीलिए तुम्हारा रंग सिया होता जा रहा है। वो धूप में खड़ा रहता ना इस वजह से सिया हो रहा हूँ। भाई हमें तो लग रहा है ये धूप पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या मतलब? भाई अब मतलब भी हम समझाए, भाई अपने दिमाग से समझो। मेरे दिमाग में सब सभा बसी हुई है, अब ये बताओ सभा मुझे कैसे मिलेगी? अरे भाई हम क्यों बताएं, हम क्या नजूमी है? तुम इस मोहल्ले के सबसे बड़े ठरकी हो। भाई ये पर्सनल अटैक है भाई, प्लीज बता दो ना। अच्छा भाई तुम भी क्या याद करोगे? हाँ जल्दी बताओ ना। भाई जिस नंबर पे तुम लोड करवाते थे भाई उस नंबर पे 2000 का लोड करवा दो। वो नंबर तो बंद है भाई, जब 2000 रुपए जाएंगे तो नंबर खुल जाएगा। अरे इस बात पे तो तुम्हारा मुंह चूमने को दिल चाहता है। ठीक है ठीक है। जल्दी से 2000 का इजी लोड कर दो। भाई लाओ पैसे। पैसा बहुत, ये लो। भाई यूं समझो तुम्हारा काम हो गया। हो गया? आए शकुर भाई मैं तुम्हारे कुर्बान, जैसे सब मेरे दिल में वैसे तुम मेरे दिल में, आए मेरी जान मैं कुर्बान। हाँ खाला जो तुम्हें कहा है ना बस वही करना है। मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, मुझे क्या होना है। चलो मैं तुमसे शाम में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाकई ये बात तो बिल्कुल तुमने सच कही, ऐसे ही होता है अक्सर, मैंने देखा है। कहाँ से आ रही हो तुम? अम्मी वो मैं तानिया के घर से आ रही हूँ। तुम्हें तो मैं घर पर अकेला छोड़ के गई थी ना, तुम्हारे साथ ये क्यों टंगा हुआ है? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों टंगूंगा इसके साथ है, मैं कोर्ट गया था। ओह
बेटा आपने क्यों जहमत करी कोर्ट जाने की? कोर्ट खुद ही तशरीफ लाता ना आपको यहाँ से लात मार के बाहर निकालने के लिए। एक्सक्यूज मी, जो मैंने आप पे 5 करोड़ का दावा किया था ना, उसको 10 करोड़ करवाने गया था। अरे मुराद, कैसी बातें कर रहे हो? वाह मुराद वाह, तुम इस काबिल हो कि तुमसे प्यार से बात की जाए? अरे कब प्यार से बात कर ली, आपने तो हमेशा मुझे धुतकारा है, बल्कि कुत्तों की तरह ट्रीट किया। कुत्तों को भी ना बैंगलोर वाले 3 वक्त का खाना देते हैं। तुम भी तो यहाँ चिपक गए हो। अरे एल्फी समझ के रखा है क्या चिपक गया हूँ? और वैसे भी मैं मजाक कर रहा था, मैं अपना नया ऑफिस देखने गया था। सीबीओ ऑफिस गए थे? जरा मैं भी तो सुनूं कौन सा ऑफिस। सॉरी मैं नहीं बता सकता, मुझे नजर लग जाती है। ओ बद नजर वाले, तुझे किसकी नजर लगेगी और तेरी औकात क्या है? औकात की बात कर रही हैं आप? मुझे औकात की बात बता रही हैं आप? एक मिनट, ये देख रही हैं आप, ये तो फ्रिज की चाबी आ गई। ये देख रही हैं आप, ये मेरी गाड़ी की चाबी, नई गाड़ी, ऐसी गाड़ी ली है ना मैंने, टायर ऐसे चमकते हैं कि आपका चेहरा देख सकती हूँ उसमें। ए हसीन, इस निकम्मे के पास कहाँ से आ गई नई गाड़ी? हाँ ये जो हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया ना, ये अब कभी बंद नहीं होगा। मिर्चे तो आपको तब लगेंगी जब मैं खैबान शहबाज पे 8,000 गज का अपना बैंगलोर लूंगा। ओ लड़के, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। अम्मी बस कर देना प्लीज। मुझे लगता है ये बात ऐसे खत्म नहीं हो सकती। जो एडवांस मैंने आपको 6 महीने का दिया था ना, वो अब 1 साल का हो गया। ये ले पकड़ो। औकात की बात कर रही थी ना, अब पता चल जाएगा किसकी कितनी औकात है। दिखा असली है। जी जी अम्मी, असली नोट है। टोपी सही है, खाते दम की असली है। देखें मैं आपके पैसे 1 हफ्ते में आपको वापस लौटा दूंगा, बस 1 हफ्ते इंतजार करना है। आपने कहा ना आपसे कि जैसे ही पैसे आए मैं आपको वापस कर दूंगा। अरे आप मेरी बात। क्या हुआ, सब खैरियत है? अरे खैरियत ही तो नहीं है, दुकान के लिए जिसके जरिए माल मंगवाया था ना, वो बंदा बीच वाला पैसे ही लेके भाग गया, और जिसका माल है उसके फोन पर फोन आ रहे हैं कि पैसे वापस करो। कहां से लाऊं 5 लाख रुपए में? इसलिए तुम इतने परेशान हो। और दूसरी तरफ वो मुराद है, नई गाड़ी उसने ले ली है, नए नए ऑफिस खोल रहा है, और तुमसे एक दुकान नहीं चल रही। अरे यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर कर क्या रहा है ऐसा। मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है। मेरे ख्याल में रुखसाना, मैं उससे बात करके देखता हूँ, शायद वो किसी काम आ जाए। अरे कैसी बातें करते हो, हमने उसे कमरा खाली करने के लिए नोटिस भिजवाया हुआ है, वो भी अदालती नोटिस। अरे नोटिस तो वापस भी लिया जा सकता है रुखसाना, 5 लाख का मामला है, अगर ना मिले तो मैं वापस कैसे करूंगा? हाँ तो बुरे वक्त के लिए कुछ सेविंग करनी चाहिए थी ना तुम्हें। सेविंग करनी थी ना, कहाँ से करता सेविंग? अरे तुम्हारे मेहमानों की लाइन खत्म होती तब करता ना कुछ सेविंग। शाबाश, डाल दो तुम सारा मलबा मेरे मेहमानों पर, कारोबार दुकान तुमसे नहीं चलती, कसूरवार मैं और मेरे मेहमान। अरे तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस तुम तो रहने ही दो। हाय हाय, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, उस कमबख्त मारे मुराद के हाथों कौन सी मुर्गी लग गई है जो सोने के अंडे दे रही है रोज के रोज। सोचो तुम मियां, अब इस सारे मसले का हल मुराद के पास, उसी से बात करके देखता हूँ। अभी फिलहाल आप फटाफट 1,000 का लोड करवाएं, ठीक है? हाँ फिर एंजॉय करें। तनी सारे तरसे पे मुझे ही मिलते हैं यार। ओए ये कौन सा? वो भैया 1,000 का लोड, बबलू की कॉल। हेलो सबा। हेलो, तुम कहाँ हो? फोन पर हूँ जानू। तुम्हें पता है तड़प तड़प के मेरी क्या हालत हो गई है। सॉरी जानू, अल्लाह मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझ पर क्या कयामत गुजरी है। कयामत तो मुझ पर गुजरी है। जान मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, आपको नहीं पता मैं कितने दिन से सदमे में थी, 1 हफ्ते से तो मैं ये लावारिसों की तरह बेहोश पड़ी थी। कौन, तुम्हारी अम्मी? जान मैं अपनी बात कर रही हूँ। जानी अम्मी को क्या हुआ? जान बताया तो वो मर गई है। मर गई? मेरी सास मर गई। जान आपको नहीं पता मैं तो खुद 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। अल्लाह मुझे तो अभी भी चक्कर आ रहे हैं। मेरी सास मर गई। ये
ये इसकी तीसरी बीवी ने क्या कर दिया। एक तो इस औरत को समझ में नहीं आता मेरे प्यार। हसीन बेटा तुमने कहीं मुराद को देखा? नजर नहीं आया काफी देर से। अबू आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अबू आप उससे क्यों कमरा खाली करवा रहे हैं? अब तो उसने एक साल का एडवांस कराया भी दे दिया है। अरे नहीं नहीं बेटा, उससे कौन कमरा खाली करवा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अबू सच में कमरा खाली नहीं करवा रहे? ये तुम इतना क्यों खुश हो रही हो भाई? वो दरअसल अबू मैं तो इस बात से परेशान थी कि इस उम्र में आप किस तरह कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगे। ओ हाँ ठीक कहा तुमने। असल में बात यह है कि मुराद से मुझे बहुत जरूरी काम है, जैसे ही वो नजर आए ना तो मेरी तरफ भेज देना उसे। जी अबू जैसे ही नजर आएगा ना मैं आपके पास भेज दूंगी। अरे वाह मुराद वाह, भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, इधर तुम्हारा नाम लिया उधर तुम हाजिर हो गए, वाह भाई। कहीं आप मुझे शैतान समझ के तो याद नहीं कर रहे थे? अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हसीन बेटा तुम ऐसा करो कि मुराद के लिए एक नस्ली किस्म का ना मिल्क शेक ले आओ। जी अबू मैं भी लाई। मुराद बेटा मुझे बचा लो। बेटा मुराद? चंद दिन पहले तो ये मुराद आपके लिए ना मुराद था। नहीं नहीं बेटा उस वक्त मैं गलती पर था, मुझे नहीं था मालूम कि तुम एक दिन मेरे लिए इतने अहम हो जाओगे। मेरा ये मसला सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो बेटा। अच्छा क्या मसला है आपका? बताता हूँ, पहले मिल्क शेक तो आने दो। अच्छा ये बताओ कि शाम के खाने में तुम क्या खाओगे? है खाने पहले मुझे थोड़ा हजम तो करने दे। मगर अभी तो कुछ खाया ही नहीं तुमने। आपकी बातें हजम कर रहा हूँ। देखो बेटा मेरा ये प्रॉब्लम जो है ना तुम ही सॉल्व कर सकते हो, तुम ही इस मसले का कोई हल निकाल सकते हो। अच्छा बताएं मसला क्या है। बताता हूँ, ऐसा करते हैं कि किसी पुरफजा मकाम पर जाके ना तफसील से मैं सारी बातें तुम्हें बताता हूँ। जब तक मैं हसीन से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मिल्क शेक बनाए, वो भी दो गिलास, क्योंकि एक गिलास से तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। कुछ 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 हसीन बेटा दो गिलास मिल्क शेक, ये अंकल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? बहरहाल तेरे दिन तो अच्छे शुरू हो गए मुराद। भाई 2000 रुपए लेकर 1000 का लोड किया बबलू मियां, पहले तुम्हें सभा लूटती थी अब हम। अरे शगु भाई सलामकुम। अरे मियां क्या फिर ठेला ले लिया? अरे ठेला नहीं लिया, सभा ने ना फोन करके खुद मुझसे बात किए, गाली दिलाओ चुम्मी ले ली। अरे भाई ये वाहियात किस्म के मजाक हमें पसंद नहीं है। जैसे सभा मेरे दिल में वैसे तुम मेरे दिल में हो। अरे भाई हमें तो माफ करो, हम दुकान में ही सही हैं। शकूर मेरे दोस्त मैं बता नहीं सकता। अरे भाई कोई गंदी बात है तो मत बताओ। सभा ने ना फोन पर मुझसे बात करी है और उसके मम्मी का इंतकाल हो गया। अच्छा तो ये मिठाई उसी खुशी में है? नहीं सभा ने मुझसे फोन पे बात की है ये उस खुशी में। अच्छा आप तो भी लाओ दिखाओ। ये लो ये पूरा डब्बा तुम्हारा। तो भाई तुम्हारी शादी की बात शुरू करें? शादी की बात नहीं करना, अभी वो सदमे में और अस्पताल में। अरे तो भाई क्या हुआ? भाई फोन खुल गया है तो बातचीत तो होती रहेगी। बस फटाफट सभा के नंबर पर इजी लोड कर दो। हाँ हाँ अब पैसे दो अभी कर देते। अरे मुझे भरोसा नहीं है, तुम कर दो ना मैं दे दूंगा पैसे। आज रात मैं खुलकर दिल की बातें करूंगा उससे। भाई जब जब बात हो हमारी मिठाई मत भूलना। अरे कैसे भूलूंगा, आप मिठाई खाएं और इंजॉय करें, आपको और मिठाइयां ला के देगा, आप खाएं और सब से मेरी बातें होती रहे। डब्बा कहां से खुलेगा, इतना टेप लगा दिया इसमें। दो गिलास पहले ही मिल्क शेक के पिला दिए, ये तीसरा है, आखिर बताएं बात क्या है? क्या बताऊं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं बेटा। अब अगर बेटा बोल ही दिया है तो फिर बना भी लें। क्या मतलब? अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं आपकी सारी टेंशन अपनी छाती पे ले लूंगा। अरे छाती पे नहीं लेनी, मसला हल करना है।
हाँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। तो फिर तुम मेरा ये मसला कैसे हल करोगे? आखिर 5 लाख का मामला है। अरे ऐसे हल करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे जैसे चीनी में पानी हल हो जाता है, जैसे दवाई मिक्स हो जाती है, आप बेफिक्र हो जाएं। कैसे हल होगा मुझे भी तो पता चले। अरे सिंपल है, उसे तलाश करूंगा जो आपके पैसे लेकर भागा है। अरे उसका तो नंबर ही बंद आ रहा है। अरे मैं ट्रेस करूंगा उसका नंबर। हाँ तुम उससे ट्रेस करते रहना, इधर मेरी जान निकल जाएगी। अरे कोई और हल तलाश करो। हाँ कब से हल ही तो कर रहा हूँ, कौन सा हल? बेटा ऐसा करो कि मुझे 5 लाख का इंतजाम कर दो। 5 लाख? मैं इतना मीठा तो मिल्कशेक भी नहीं था। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो कि कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास फीका भी बनवा देता हूँ। अच्छा फीका? हाँ चले, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। शाम में जरा कोई तीतर और बटेर की अगर कढ़ाई मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, यकीन करे। हिरन भी चल जाएगी, हिरन की जो रान आती है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं कर लूंगा। तीतर बटेर और हिरन की रान? अरे अब ये सब मैं कहां से पैदा करूंगा, क्या मुसीबत है। ओ भाई बात तो सुनो। अबे यार पिज्जा वाले, तुम लोग को आधे घंटे से ऑर्डर दिया हुआ, कब आएगा पिज्जा? क्या आधा घंटा और लगेगा? अबे तो घंटे का पिज्जा हो गया यार। अबे कौन सा पिज्जा, आज चिकन बिरयानी खाएंगे। अबे कब मिलेगी, भूख तो अभी लगी हुई है यार। अबे मेरे भाई अब रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अब तो पाया बन गए। अरे मेरी जान अब तो महबूब भाई की गोट मेरे हाथ में आ गई है, अब मैं जो बोलूंगा वो वही करेगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही यार, क्रीमें बिक गई, भाभी मान गई, अब ये ससुर का क्या चक्कर है? अबे ससुर अब मेरी मुट्ठी में, अब तू देखना वो खुद मुझे बोलेगा, सुनो मेरी बेटी हसीन से शादी कर लो। ऐसा क्या करेगा? अबे सारे मंत्र मेरे पास हैं बाबू। अबे तू जादूगिरी भी शुरू कर दी, लेकिन एक बात बता दूं मुराद, अपनी सास से बच कर रही हो, बहुत खतरनाक औरत है वो। अबे दो काबू में आ गए ना, वो भी काबू आ जाएगी। वैसे यार ये मंत्र मेरे को भी सिखा दे यार, मुझे ना वो भाभी की दोस्तों से ना मोहब्बत हो जाती है यार। अबे जाहिल पागल हो गया है तू, तुझे पता भी है उसकी दोस्तें कितनी खतरनाक है? उनके भाइयों का पता है? कोई चिंगारी की बहन है, कोई फुलझड़ी की बहन है, सारे बदमाशों से तू लड़ेगा, जाया हो जाएगा किसी दिन। बट रहा तो नहीं यार। चल तू दिल छोटा मत कर, मैं तेरा काम करता हूँ। दुबई चलना है तेरे को? हाँ यार ले चल। वहाँ पीछे गली में रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना खिलाता हूँ तुझे। वहाँ बुर्ज खलीफा होगा? वहाँ अकमल खलीफा है, काणी आंख वाला, समझा? वो तुझे सारे खलीफा दिखाएगा अपने। चल अब चल यार। अरे रुखसाना थोड़ी अकल इस्तेमाल करो, इस वक्त वो हमारे काम आ सकता है। हमारे नहीं सिर्फ तुम्हारे, क्योंकि नुकसान तुमने किया है। चलो ऐसा ही समझ लो कि मेरे काम आ सकता है, मगर इस वक्त उसकी जरूरत है हमें। एक मिनट, तुम उससे कर्जा मांगने वाले हो ना? अरे कल तक हम उसे इस घर से धक्के देके बाहर निकालने वाले थे, आज तुम उसके सामने जाके हाथ फैलाओगे? कुछ तो शर्म कर लो भिखारी बनते हुए। अरे तो इसमें हर्जी क्या है, वापिस कर दूंगा, कर्ज ही तो है। कर्ज ले रहे हैं वापिस कर देंगे? अरे तुम किसी के 10,000 तो वापिस नहीं कर सकते, लाखों रुपए कैसे लौटाओगे उसके? अरे अपना कारोबार करता हूँ, कमा कर वापिस कर दूंगा उसे। कारोबार? बात तो ऐसे कर रहे जैसे तुम्हारे समंदर में शिप चलते हैं। वो भी चल रहे होते एक दिन, अगर इस घर में सुकून मिलता तब ना। तुमने जो करना है वो तुम करो, लेकिन एक बात याद रख लो, ये थूक कर चाटने वाली बात है, वो थूक कर तुम ही चाटो। क्या मुसीबत है, जब वो आसानी से मान रहा है तो पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा है। बादशाह सलामत, आपकी बिरयानी दम पे रख दी गई है, कब तक नावल फरमाएंगे? मालिक आलिया इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, थोड़ी देर में हमारी ओजड़ी जब खाली हो जाएगी तो फिर हम तनावल कर लेंगे। जो हुक्म बादशाह सलामत। वैसे मुंह धो रखो, अब्बू को तुमसे काम पड़ गया है ना, इसलिए सब कुछ ठीक जा रहा है। अरे जानता हूँ महबूब भाई को, उनको अगर कहीं से भी कुछ नजर आ जाए ना, वो तुम दोनों माँ बेटियों को भी छोड़ कर चले जाएंगे। अब खैर अब ऐसे भी नहीं है अबू। ऐसा ही है, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये तो तुम उन पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो उनकी तबीयत के बारे में बता रहा हूँ। वैसे उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ गई है ना, इसलिए अब तुम बातें बना रहे हो बहुत ज्यादा। तो इसमें झूठ क्या है? मेरे अबू ना बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे ये जो अच्छे अबू है ना, उन्होंने दूसरी शादी की हुई है। क्या दूसरी शादी? सबूत है मेरे पास, ये देखो। टन 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 टन, तेरे नाज करारे और लब अंगारे। तबा तबा